राम राम भाई। सारे बहन भाइयों को कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। हमें भी ठीक हाँ बे। कर लिया है एक और नए व्लॉग की शुरुआत। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल घूम घाघरा में। और ईव सुबह सुबह भी मैं नहा धो ली हूँ। आज था शुक्रवार तो मैंने सिर भी धो लिया है। और ईव लाग रही हूँ बे मैं कंघी करण। कंघी हमें बाहर आकर करा करा बे, भीतर को नहीं करा करते। मैं कदे भी आदत ही को नहीं मेरी कि अंदर कंघी करूं। बड़ा अजीब सा लग गया करा मैंने अंदर कहीं कंघी करने में, चाहे कहीं भी हो या गेट के पास ही आकर कराया करूं। मैं कभी गांव में भी जाऊंगी ना, गांव में भी मैं बाहर बगड़ में आकर कंघी कराया करूं। अंदर कमरे में कदे कंघी नहीं कराया करूं। बेवेरा नहीं आदत सी हो रही है, कदे की आदत पड़ रही है। कमरे में कंघी करने जिए नहीं करता क्यों, एक आधा बाल पड़े जड़े बना रहे नहीं फिर वो अच्छा नहीं लगता। और इस सीजन में तो बहुत बाढ़ जड़न लग रहे हैं बेबेरा ने मारे जड़े हैं। किस सब आप सबके भी जड़े हैं के जरूर बताइए कमेंट करके। मेरे कविता भी कही थी कल मम्मी बहुत बाढ़ जड़े हैं। और मेरे भी जब भी कंघी करें एक गुच्छा सा आवेगा और पूरे के पूरे लंबे के लंबे बाड़ा में हैं बेरानी। इसे मौसम में जड़े हैं कि पुनीता भी कह रही थी कई दिन हो गए, बल्कि पुनीता ने तो कटवाए भी लिए कि आंटी बहुत बाल जड़े हैं। चल उसकी तो मान लिया भाई, बच्चा दूध पी वह इतना जड़िया करे हैं, लेकिन हमारे क्या क्या तो जड़े हैं बेरा नहीं वे। करूँगी एक दिन ये जमाए मुड़े मुड़े से बाल हो रहे हैं, एक दिन सीधे करूँगी इन्हें। देखूँगी कि मैं तेल ताल लगावांगे कि मैं ईब तो कई दिन हो गए कविता ने तेल ना बनवाया है। कोशिश किमें मैं लाका एक आधी बवा तेल बना लिया करे ना, वो बनाए कई दिन हो गए। बोलती हूँ एक दिन कविता को बनावेगी। और यह क्लिप है भी आज 3 बजे के आसपास हमें जान लग रही है मेरी एक फ्रेंड से मिलने। मनर कविता ने कर ली है कैब ऑटो। और इतनी आंखड़ियाँ लगन लग रही हैं बिरन तो आज इन आंखड़ी लग लग का लग लग का है बिरन तो। इन्हें तो मेरा कमर में दर्द हो रहा है बिरन क्या तो आज फिर कमर में दर्द हो रहा है भे। ये चल पड़े हैं हमें। और देखो यहाँ न्यू लगता नहीं डेली बारिश हुआ है गुड़गांव में, और फिर भी इतनी धूल इतनी मिट्टी उड़न लग रही है भगवान। देख सामने देखो क्यों ये रोड इतने चल रहे हैं, जबे सूख जावा है। धूल मिट्टी तो इतनी हो रही है बेरन, यह धूल मिट्टी कद खत्म होगी। अरे कि वो कूड़ा वे जड़ है देखा है उड़े ही कूड़ा। जब भी मैं बाहर निकलूँ हूँ ना कहीं जावा हमें मन यो सारी जगह कूड़ा ही कूड़ा दिखे जावा। यार देखो 3 बजे भी इतना जाम लग रहा था, बल्कि हमने सोची थी इस टाइम तो जाम का टाइम नहीं है बेरानी ना। यू गुड़गांव का जाम का दे खत्म होता क्यों, घर घर गाड़ियाँ हो रही हैं आजकल, जिसने देखा उसे का गाड़ी। और यहीं बा में हड़ना ऑटो में बैठे बैठे न्यू कैमरे से बैक कैमरे से न्यू वीडियो बना बना कर देखा दे। टाइम पास तो करा क्यों करे अपना दोनों सासू बहू। ये ऑटो खड़ी हो जाए जाम में तो क्या करा, बोर हो फिर हमें कभी कविता लग जाती न्यू करके बोली। बैक कैमरे से बनाते हैं मम्मी वीडियो, कई बार फ्रंट कैमरे से वीडियो साफ ना आती तो हमने बैक कैमरे से बना बना कर देखने लग रहे थे भी। न्यू टाइम पास कर लिया हाँ के करा, हंसते बोलते रहा करो आप सब भी। कुछ नहीं मेरा जिंदगी का कद टाइम बोल जाएगी। लो बे आ गए थे हमें मेरी फ्रेंड से मिलकर ने, हम आए थे 6:30 बजे के आसपास, बल्कि आंते आना हमने जान ना पाया, बल्कि जानते आना पाया। और फिर आकर नहाए धोए बे। लो बे ईब मैं आप लोगों को दिखा दी हूँ, उस दिन अनप्राशन वाले दिन पुनीता ने मारती के गिफ्ट दिया वो दिखा दी। उस दिन दिखाने भूल गई मैं, ये ध्यान नहीं रहा। अब 2 दिन से वो लोग नहीं आया, मैंने वो गीता की वीडियो डाल दी ना, मेरी हिम्मत हो रही थी, मेरा फिर कमर में दर्द हो रहा बताऊँ, आज तो ज्यादा ही हो रहा है। बीच में कई बेटियां ने पूछा कि आंटी कमर कैसी, बेटा बीच में आधी ठीक हो गई थी, आज फिर ज्यादा दर्द हो गया। बेरन तो हम वहां गए यहाँ खड़ी ला कि इतने टूटे फूटे रोड पड़े हैं सारे बारिश में, बेरन ये रोड कद बनेंगे, गुड़गांव का सुधार बेरन कद होगा। तो आज फिर दर्द हो रहा था, तो फिर मैं सोची आज तो मैं दिखाई दूँ ये वाले पर्स दिए भी पुनीता ने मारती सारी आंटियां थी, ये वाले पर्स गिफ्ट करे, बहुत ही अच्छा कपड़ा है। इसका भी वो पैरासूट का जो कपड़ा होया करना वो वाले कपड़े के हैं, बहुत सॉफ्ट है, इसमें पानी भी क्रॉस नहीं होता और ये जल्दी से खराब भी नहीं होता, बहुत अच्छा कपड़ा है इनका। तो मारती सब थी ये 2 चैन है इसमें, अरे ये वाली दिया मैं मुझे इसकी ये चीज़ सबसे अच्छी लगी कि ये चौड़ी बात दी है इसकी।
ये चौड़ी बाधी है तो ये चुभती नहीं, जैसे हम यहाँ टांगा तो ये चुभती को ना। देखो मैंने ये वाला पर्स मंगवाया था अमेजोन से, ये वाला, इसकी या बेड़ी बाधी थी, मैंने ये चौड़ी बाधी वाला मिला ही नहीं, पिछले साल मंगवाया था ये मैंने, और यूज एक भी दिन नहीं करा है। या बेड़ी जो है ना इसकी बाधी, या कई बार चुभन लग जाओ हाड़े से, फिर वो अजीब सा लगा। ये देखो ये भी पर्स बहुत अच्छा है, लेकिन यूज नहीं करा है अभी तक, मंगवाया था ना ऐसे कैसे टंग रहा है। कई बार पार्क पूरक जावा है ना पा, जब जरूरत पड़ जाओ ऐसे हाथ में फोन रखना अजीब सा लगे जावा है, तो न्यू रिलैक्स होकर घूमन घामन जावा ना, तो रिलैक्स होकर घूम जावा, इसलिए मैंने ये छोटे पर्स मंगवाया था। ये देखो खुल का तो बड़ा ही हो जावा है, ये देखो सुंदर है वैसे पर्स तो, बस इसकी ये चैन है ना चारों तरफ खुल जे है, बस आधी खुलनी चाहिए वैसे, ये आधी खुल है ना, तो नीचे की चीज है वो गिरने का डर ना रहता है, इनमें कुछ गिरने का डर रहा है। चलो आ जाएगा काम, कभी ताल में दोनों कोई सा भी यूज कर लेते हैं, कई बार जावा तो ज्यादातर ये पर्स काम आवा। छोटे पर्स वैसे मैंने कम ज्यादा पसंद है, सॉरी कम कहूँ, बड़े पर्स में कम ही लेके जाया करूँ। जो कर यो पर्स है देखो, ये भी पर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये छोटा पर्स है तो ये ऐसे हाथ में आओगे ऐसे वैसे इसका बड़ी बाधी भी है, यहाँ बड़ी बाधी लगा लो, लेकिन उससे अच्छा ये है ना, तो ये ऐसे टांगने में ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये चीज भी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, लेदर का है, बहुत ही अच्छा ऐसे शाइनिंग से लेदर, बहुत ही सुंदर पर्स है ये भी। बाकी आप लोग बताइए कैसा लगा, यही मैंने शादी में यूज करा था पहली बार ना, पहली बार तो सच्चे जो मैं वहाँ मेरी बहन रिटायर हुई थी ना, मेरी कजन सिस्टर जींद, तब गया था पहली बार, अब दूसरी बार दो ही बार यूज करा। चलो ये पर्स तो और भी बहुत सारे हैं, फिर कभी कलेक्शन दिखाऊंगी, कोई टांगने के, कोई छोटे, कोई बड़े, घने पर्स हैं। और ये मैं दिखा दी हूँ आप लोगों को, ये वाला कविता को क्या गिफ्ट मिला, पुनीता ने क्या गिफ्ट दिया, बहुत अच्छी चीज है, यूजफुल चीज है, एकदम बढ़िया मस्त वाली। जिसने कविता का व्लॉग देख लिया ना, उन्हें तो देख ही लिए होंगे, जिसने नहीं देखा है वो मेरे व्लॉग में देख लियो। ये देखो भाई, ये है एक बैग, ये देखो ये खुल कर ना बड़ा हो जावे है, नहीं तो ये फोल्ड होकर इसमें लग जावे। ये देखो इतना बड़ा ये बैग है, चैन वाला, चैन लगी हुई है, कितना सामान आ जावे इसमें, ये चैन लगी हुई। इसका भी कपड़ा वही है, पैरासूट वाला कपड़ा है, बहुत ही अच्छा फटता कौन है ये वाला कपड़ा, बहुत अच्छा रहा है। ज्योति ने दिया था, जब ये ज्योति का बड़े वाला बेटा नोनू का जन्मदिन था ना, मेरे ख्याल में 6-7 साल हो गए, जब भी मारती सब थी ये पर्स इस टाइप का बैग गिफ्ट किया था, वो भी ऐसे फोल्ड हो जाता है, वो आज तक ऐसे कैसा है, देख लो कितना भी सामान इसमें भर लो, सब्जी लेके आते हैं हमें कभी सामान ले आना हो ना तो उसी में लेके आते हैं सब्जी वगैरह, तो वो भी बहुत अच्छा है, यही कपड़ा है। और देखना ये भी बहुत चलेगा, देखना कितने साल तक ये पर्स चलेगा, बहुत ही बढ़िया गिफ्ट देती है ज्योति और पुनीता। थैंक यू ज्योति, थैंक यू पुनीता, बेटा गॉड ब्लेस यू, बहुत ही अच्छी चीज है। और वहां से आने के बाद भी फिर नायरा और से बात करी, नायरा का कॉल आ गया, वो पार्क में थी, और मेरा हो रहा था कमर में दर्द, बोली क्या हो गया मम्मी, माँ कमर में दर्द हो रहा है, बोली MRI करवा लूँ, ये बतावे MRI क्यों करवा लूँ, MRI से लगा मैंने डर, मैंने 5-6 साल पहले करवाई थी MRI, उसमें तो पता चला था डिस्क की दिक्कत है, फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोली ज़्यादा दिक्कत है, आप ऑपरेशन करवाओ, और ऑपरेशन से मन लगा है बेटर। आज एक मेरी फ्रेंड है वहाँ रोहतक, वो भी कह रही थी ऑपरेशन करवा ले, मखावे मन लगा है डर, सही बताऊँ बात, मन तो डॉक्टर का जानता ही डर लगा है, मजबूरी हो जाओ है गणिए जब जाया करूँ मैं तो डॉक्टर के। तो अभी वैसे हमारे यहाँ थोड़ी सी उड़ा गई, एक और फ्रेंड है उसने करवाया है, कई दिन हो गए वहाँ मिल गई, उन्होंने पार्क मम्मा क्या हो गया, बोले ऑपरेशन करवाया है डिस्क का, बोली मैं तो ऐसी बिल्कुल चारपाई पे बैठ गई थी, ऐसी हालत हो गई थी, मैं कहा आप कैसे हैं, अभी ठीक है, मैं कई बार देखती हूँ वो बेल्ट लगा के घूमने जाती है पार्क में, लेकिन उसको देख भी आर्टिमिस्ट में करवाया, उसको देख कर भी मेरी हिम्मत नहीं होती ऑपरेशन करवाने की, भी क्या करूँ मैं तो ठीक थी वैसे, अभी 5-7 दिन तक फिर हो रहा है, देखती हूँ, जब जो किसका प्रोग्राम था ना पुनीता का, इससे 2-3 दिन पहले हो गया था,
अब देखती हूँ आराम हो गया तो ठीक है ना। फिर ये योगा यागा करके ये सब करके मैंने ठीक कर ली थी मेरी कमर। अब थोड़ा सा मैं वजन कम करूँगी और वे इसको एक्सरसाइज करके इसको ठीक करूँगी। बहुत दिक्कत हो है, बहुत दर्द है आज भी मेरे। अब थोड़ी सी बैठी हुई उठ कर चलूँगी ना जब बहुत दर्द होगा। चलो भैया तो लगे हुए हैं के करा। मैं तो नहीं कहूँ भगवान से यही प्रार्थना करूँ हूँ सब के लिए कि भगवान किसी की भी बीमार नहीं करे। नुका कर निरोगी काया सबका बड़ा दुख। और तो मेरा क्या ही चीज की कोई वो को मेरा यू डिश में दिक्कत होगी मेरा नहीं क्या होगी वो तो मालिक ने मेरा कैसे हुई है। चलो वे कोई बात नहीं हो जाओगी ठीक। इस लोग का वे यही कर लेते हैं। मिलते हैं फिर आगे एक और नए लोग में, तब तक के लिए राम राम। हाँ हाँ एक बात और पूछना था मैंने, जैसे वो कह रही थी ना दीपिका की मम्मी एम आर आई करवा लो, तो मैं बोली ऐसे तो मैं एम आर आई को ना हुआ भे, तो बोल रही थी ये बेहोश करके भी शायद एम आर आई हो जाती हो, आप एक बार पूछना। तो मैं पूछूंगी भे, बाकी आप लोगों को अगर किसी को पता हो ना तो जरूर बताइयो कि बेहोश करके भी एम आर आई हो जाया करके। जो मैंने पहले एम आर आई करवाई थी ना वह तो मैंने ऊपर एम आर आई करवाई थी, या तो गुड़गांव में तो थी नहीं, दिल्ली पता क्या था, वो यूट्यूब से ही। ये यूट्यूब तो बहुत ही बढ़िया चीज है, पता नहीं क्या क्या चीज मिल जाती है इस पे। यूट्यूब से ही मैंने पता करा था क्योंकि मैं कोलंबिया एशिया में गई थी हॉस्पिटल में, वहाँ एक डॉक्टर था उसने मेरे को बताया था कि आप ओपन एम आर आई करवाओ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला एम आर आई करवाओ, मेरे से हो ही नहीं एम आर आई में। मैं तीन बार घुसाई एम आर आई में, तीनों बार मैं वापिस निकलाई, मेरे बस की बात नहीं एम आर आई करवानी। तो डॉक्टर बोले एम आर आई करवा, मैंने बोला भाई मेरे से एम आर आई तो नहीं होता। तो एक नया है लड़का था अपने बड़का सुमित और बड़का था, वो बोले आंटी आप एक ओपन एम आर आई होते हो वो करवाओ। तो भाई भला उसका बेटे का थैंक यू बेटा। और तब फिर मैंने ओपन एम आर आई के बारे में पूरा यूट्यूब पर छाणा, गूगल पर छाणा। जब मैंने एक दिल्ली में एक जगह ओपन एम आर आई का पता चला, जब मैं वहाँ ओपन एम आर आई करवा के आई थी, और वहीं डॉक्टर ने बोला था कि ज़्यादा दिक्कत है आप ऑपरेशन करवा लो। फिर यहाँ दिखाया कोलंबिया में तो इन्होंने भी वही बोला, मुझे लगा डर। उसके बाद मैंने करनी शुरू करी एक्सरसाइज, और जो भी लहसुन वगैरह ये सब पीती थी तो मेरे को आराम हो गया था। और अब फिर से दिक्कत हो रही है तो देखती हूँ थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करके ये आराम होने दे। दर्द में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए भाई, जब ये थोड़ा आराम हो जाएगा तब फिर से एक्सरसाइज करनी शुरू करूँ। करती तो थी अभी भी लेकिन कम कर रखी थी, पूरी रेगुलर नहीं करती थी, शायद इसीलिए हो गया। चलो फिर से शुरू करती हूँ। चलो भी बातें बहुत सारी होगी, मिलते हैं अगले वो लोग में, तब तक के लिए राम राम। सब ने तबीयत ठीक रही तो कल फिर डालूंगी, वैसे भी कल हमारे गेस्ट आने वाले हैं तो शायद उसमें बिजी रहेंगे हम पूरे दिन, देखती हूँ बड़ा ही जाएगा शायद वो लोग तो। तो कल फिर एक और नए वो लोग में मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। सब ने खुश रहा करो हमेशा, देख लो बीमारी में भी मैं खुश रहने की कोशिश करूँ। पॉजिटिव सोच रखा करो, पॉजिटिव सोच, अपने दिमाग से नेगेटिव थॉट को निकाल दो, सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल दो, एकदम अड़का महसूस करोगे अगर आप पॉजिटिव सोच रखोगे तो। हमेशा खुश रहा करो। जय एक मैंने आज सोर्स डाल रखा था, अब दुख तो बहुत है मेरी जिंदगी में लेकिन दांत पाड़न में के जावे। मतलब खूब खुल कर ऐसा करो, खुल कर जियो अपनी जिंदगी। राम राम बे सबने।